फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम इस वीडियो में करवा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जैसे कि आपको पता है, जुलाई अगस्त में जो एग्ज़ाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मींस फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं, तो उसी को करके ये एक वीडियो बनाई गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ एक लिस्ट बनाई है मैंने कुछ एक क्वेश्चन की, मतलब अबाउट टू 25 होंगे कुछ समथिंग शॉर्ट क्वेश्चन और अबाउट टू 20 क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो देखिए स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अटेम्प्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है आपको क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 2 or 3 or 4 मार्क्स में हो सकते हैं, वैरी करते हैं मार्क्स, ठीक है, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको दिए होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जो हमारा वो है द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सेकंड क्वेश्चन है द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम प्री इक्वेशन प्रॉफिट्स। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसके ऊपर एक क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। सेवन्थ है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। एट्थ क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, और नाइन्थ क्वेश्चन है बीज लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर यानी कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ लिस्ट बी, ये आपको इसके अंदर लिखना है। टेंथ है व्हाट इज स्टैचुरी रिजर्व, और आगे स्टूडेंट्स इलेवंथ है हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोटिस लिखना है। ट्वेल्थ है प्री पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट या रिजर्व्स। थर्टीनथ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। फोर्टीनथ है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम्स। फिफ्टींथ है व्हाट आर सुपर प्रॉफिट, हाउ कैन दिस बी कैलकुलेटेड, सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिक्सटीन्थ है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ऐसे फैक्टर्स को एक्सप्लेन कीजिए जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर को अफेक्ट करते हैं। डिफाइन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, इसके रिगार्डिंग आपको जनरल एंट्रीज बनानी है, जनरल स्पेलिंग आर आएगा। फर्स्ट है बोनस इन, ये देखिए एक मिनट यहाँ पे जर्नल, ठीक है, आगे देखिए बोनस किसके ऊपर जनरल एंट्रीज लिखनी है आपको, बोनस इन डिडक्शन ऑफ प्रीमियम, और सेकंड है क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए 19th क्वेश्चन है हमारा नेट एसेट मेथड ऑफ वैल्यूइंग शेयर्स। 20th है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। 21th है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। 22 क्वेश्चन है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। 23 क्वेश्चन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। 24th क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और 25th क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंपल्सरी वाइंडिंग अप, और 26th और लास्ट हमारी लिस्ट का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बैंकिंग एसेट। ठीक है स्टूडेंट, ये तो कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, यानी कि जो कि 2 or 3 or 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो वैरी करते हैं जिस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। आप वैसे तो अपने जो चैप्टर्स हैं जो बुक के अंदर वो 6 चैप्टर हैं, और उन 6 चैप्टर में ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें से आपको ये करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा गुडविल इज़ द पावर ऑफ अ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट, व्हाट मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर इट्स वैल्यूएशन व्हेन द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे जब आपके जो मेथड हैं जो आपके प्रॉफिट्स हैं बिजनेस में वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में से है ये क्वेश्चन। आगे है व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री इक्वेशन प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। होल्डिंग कंपनी का जो चैप्टर है अपना अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसमें से ये क्वेश्चन है। अगला है थर्ड गिव द परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी विद शेड्यूल, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी में से ये क्वेश्चन है। परफॉर्मा बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का शेड्यूल के साथ, ठीक है। और फोर्थ है एक्सप्लेन एवरेज क्लॉज इन द इंश्योरेंस पॉलिसी बाय टेकिंग इमेजिनरी इलस्ट्रेशन, आपको
ये इंश्योरेंस वाला जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर से आया हुआ है क्वेश्चन। आगे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड विच आर यूज्ड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, एक्सप्लेन द कैपिटलाइजेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन है अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से। सिक्स्थ है, गिव स्पेसिमेन ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनरी फिगर्स अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी चैप्टर में से आप क्वेश्चन है। सेवन्थ है, वट डू यू नो अबाउट जनरल इंश्योरेंस, वट आर द प्रोविजन फॉर कीपिंग इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जनरल इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस वाले चैप्टर में से है, लास्ट चैप्टर जो सिक्स चैप्टर है अपना उसमें से। अगला है एट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द बैंकिंग कंपनी। एक बैंकिंग कंपनी वाले अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी वाले चैप्टर में से है, एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर सेकंड चैप्टर में से है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, गिव द परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलॉन्ग विद नेसेसरी शेड्यूल्स, या इंश्योरेंस वाले अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वाले में चैप्टर में से है। और टेंथ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये फर्स्ट चैप्टर में से है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड फॉर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ये है लिक्विडेशन यानी थर्ड चैप्टर में से लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज, ये वाला अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज यानी कि फोर्थ चैप्टर में से है, सॉरी। 11th, explain the factors which affect the valuation of goodwill, discuss the methods which are used for goodwill valuation, यानी कि ये चैप्टर नंबर 1 valuation of goodwill में से है आप क्वेश्चन। हाँ जी, 12th क्वेश्चन देखिए, explain with suitable example the various method of valuation of shares of a company, तो different method है shares or valuation of share, यानी second chapter में से आपका question है ये, what would be appropriate method in the in your opinion, आपके opinion में कौन सा method suitable है और अच्छा है, ठीक है, appropriate है। 13th क्वेश्चन है, गिव अ परफॉर्मा ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी अलॉन्ग विद द नेसेसरी शेड्यूल्स, इंश्योरेंस कंपनी वाले अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वाले चैप्टर में से आपका क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14th, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्लिप सिस्टम इन बैंक्स, सेकंड है होली ओन एंड पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी, और 13th है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला आ जाइए, 15th क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड विच आर यूज्ड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, एक्सप्लेन द कैपिटलाइजेशन मेथड विच द विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में से है, चैप्टर नंबर 1 में से। और 16th क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑर्डर ऑफ द पेमेंट अडॉप्टेड बाय द लिक्विडेटर, आल्सो डिस्कस द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, चैप्टर नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन कंपनी, उसमें से ये है, उसमें से ये क्वेश्चन है अपना। 17th, एंड एक्सप्लेन ऑल द शेड्यूल्स गिवन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। गिव अ परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, गिव अ परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलॉन्ग विद नेसेसरी शेड्यूल्स, एंड क्वेश्चन नंबर 18 बिलोंग्स फ्रॉम द चैप्टर अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, आल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एंड दिस क्वेश्चन इज बिलोंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने इसके अंदर करे, कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन थे और कुछ एक लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके अलावा हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल चैप्टर के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 करना है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 करना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और चैप्टर नंबर 3 करना है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने हैं तो। और प्रैक्टिकल में भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इलिस्ट्रेशन करिए, जहाँ तक होता है पेपर के अंदर इलिस्ट्रेशन दिए जाते हैं, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है जितने भी सालों का, हमने यही देखा है कि इलिस्ट्रेशन ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत रेयर चांसेस में, कि क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आपको बुक उसमें दिया होता है, ठीक है।
तो इसलिए मोस्ट ऑफ क्या है, आप इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो आपका अच्छा पेपर अटैम्प्ट होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आपको प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करने के लिए आपको ये करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, क्योंकि प्रीवियस जितनी मैंने वीडियो बनाई है स्टूडेंट्स ने मुझे रिस्पांस दिया है कि हाँ जी मैडम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें आए हैं और अच्छा पेपर हुआ है। तो आई होप एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आए आपके पेपर में, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं इसके अंदर। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, आपका आराम से बहुत अच्छे पासिंग मार्क्स से आप क्वेश्चन अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।